another video. तो guys, आज के वीडियो में बता दूं कि आज के वीडियो में तो सबसे पहले गुड इवनिंग. तो अभी मैं बता दूं कि आज हमारे घर पर आई थी दीदी. ये गुजरात वाली बड़ी दीदी आई थी और उनके साथ उनका लड़का आया था जो उनका नाम है गणेश. ये मैं बता दूं कि क्यों आया था क्योंकि ना ये ना इसका तबीयत खराब था. रास्ता में एक हॉस्टल है वहाँ पर पड़ता था, इसका टेबल खराब है इसीलिए आया था. तो आगे देखते हैं और क्या होता है. आज और यहाँ पर बड़ी दीदी और अभी आ चुकी है वहाँ पर छोटी दीदी. जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहले कौन आई थी. आई थी बड़ी दीदी और अब आ गई है छोटी दीदी. जब भी बड़ी दीदी आती है ना छोटी दीदी भी आ जाती है. सबसे पहले गुड मॉर्निंग. तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने कहा था कि कल के ब्लॉग में आए थे हमारे घर पर ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी. और अभी बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों और वो गणेश गए हैं. मैंने कहा कि ये हरिपुर एक मंदिर है वहाँ पर गए हैं. तो कल मैं तब की आज है मेरा एग्जाम. तो आज मेरा हिंदी का एग्जाम है तो आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ. तो इसीलिए मैं पूरा तैयार हो गया. आज है मंडे तो एग्जाम दे के आता हूँ फिर देखेंगे और क्या होता है. तो गाइस मैं बता दूं कि आज हम लोग जाते हैं. आज है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती. तो आज के दिन ही ये गांधी जयंती को आप लोग जानते हैं कि गांधी जयंती देश को आजादी कराए थे गांधी जी. हाँ, गांधी जी जो है ना देश को आजाद कराए थे अंग्रेजों के चंगुल से. क्या बोल रहा है कुछ भी तुम बोल रहा है गलत मिस इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास. गांधी जी जो थे ना वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे इंडिया के और वो इंडिया को आजाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे अपना अहिंसा के साथ. वो उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो अंग्रेजों के खिलाफ किया था और जिसके वजह से परेशान होकर के अंग्रेजों ने देश को छोड़ दिया. लेकिन वो मतलब उनका आज तो 2 अक्टूबर है ना वो उनके जन्म दिवस है उनका आज. मतलब उनका आज बर्थ डेट है हाँ. तो इसी वजह से 2 अक्टूबर को ना गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. तुम बोलता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को देश आजाद करवा दिए फलना कर दिए चिलना कर दिए. 2 अक्टूबर को मैं क्या करूं, मैं बोला कि गांधी जी देश आजाद कराए. हाँ, उनका ही जन्म जो गांधी जी हमारा देश को आजाद करवाए थे हमारे देश को उन्हीं का जन्म हुआ था आज. तो इसी वजह से आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है. लेकिन गांधी जयंती अब क्या रिप. हाँ, गांधी जी तो नहीं रहे ना, बहुत पहले मर गए. बहुत पहले नाथूराम गोडसे वो भी एक रेवोल्यूशनरी लीडर था. उसने गोली मार दिया गांधी जी को क्योंकि दोनों का विचार नहीं मिलता था. कारण जो भी रहा हो सबसे बड़ा कारण था विचार नहीं मिलता था दोनों आदमी का. और गांधी दादू की रिप मीन्स बंदे के पास जो आदमी होता है ना उसके कब्र पर लिखा रहता है रिप. रिप मीन्स मरने के मर जाता है उसका आदमी. रिप का फुल फॉर्म होता है RIP, रेस्ट इन पीस. ठीक है, तो सभी लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं है ना. फेसबुक पेज को भी तो आज इतना ही. मिलते हैं ब्लॉग में.